भारत ने गिफ्ट सिटी में एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों के शेयरों की सीधी लिस्टिंग को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक इन एक्सचेंजों में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज शामिल हैं। इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट IFSC में शेयरों की सीधी लिस्टिंग के लिए सरकार का क्रमवार नजरिया बताया था। This is the first center which RBI has exempted from the foreign exchange management controls. So effectively now here foreign currency can be freely accepted. And this is now going to play a very big complementary role to India. Because India is a very major economy. It is also the fastest growing major economy. And I think our ambition, we already are well on way to become the third largest economy. Now in that kind of a context, I think the International Financial Center is going to enable more and more foreign investors to come and invest in Indian opportunities. सरकार ने जुलाई 2023 में कुछ श्रेणियों की सार्वजनिक कंपनियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की इजाजत दी थी। मौजूदा ढांचा गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक भारतीय कंपनियों को अपने शेयर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की इजाजत देता है। सेबी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के ऑपरेशन के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। पहले भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लिस्टिंग के लिए डिपॉजिटरी रसीद जैसे अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद पर निर्भर करती थी। अब खासकर ग्लोबल बाजार में पहुंच बनाने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस सुविधा से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिलेगा।